दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई कि आप कैसे SBI का अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं, या आप कैसे SBI की नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, या आप कैसे SBI के यूनो एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं, या कैसे आप यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने SBI के अकाउंट से यूनो एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में पेमेंट तो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक लिमिटेशन होती है, 50,000 1,00,000 उतना ही अमाउंट ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप SBI की नेट बैंकिंग या यूनो एप्लीकेशन से पैसे भेजते हैं तो यहाँ पर एक तो दोस्तों यहाँ पर पैसा भेजना बहुत ही सेफ व आसान है, और दूसरी चीज यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर पैसे भेजने की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे SBI के यूनो एप्लीकेशन से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज, आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल SRGS टेक पर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं डायरेक्टली अपने फोन पर और आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपने SBI के अकाउंट से अपने यूनो एप्लीकेशन से पैसे भेज सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने फ़ोन में यूनो SBI एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना है और 6 डिजिट का MPIN बना लेना है। तो दोस्तों मैंने पहले से यूनो SBI एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर किया है, तो मैं यूनो SBI एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर MPIN या यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं MPIN डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जिनका आप बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं घर बैठे और अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें पैसे ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पर यूनो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यूनो पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पहले क्विक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इससे आप अप टू 25,000 इंस्टेंटली, मतलब आप एक दिन में तत्काल 25,000 रुपये अकाउंट डिटेल्स डालकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आप क्विक ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, SBI और अदर बैंक्स। इसमें अगर आप दूसरे व्यक्ति के SBI बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो SBI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप SBI बैंक के अलावा दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो वहां पर अकाउंट डिटेल्स के साथ IFSC कोड को भी डालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ऐसे अकाउंट डिटेल्स डालकर अर्जेंटली 25,000 पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हमें ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए इसके बाहर आ जाना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र टू ऑन एंड अदर अकाउंट्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पे आर न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड डालना है। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। मुझे प्रोफाइल पासवर्ड याद है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर भी क्विक ट्रांसफ़र के जैसे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आप SBI के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो SBI पर क्लिक करेंगे, और अगर आप SBI के अलावा दूसरे किसी बैंक में पैसे भेजना चाहते हैं तो अदर बैंक पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर SBI के अकाउंट में पैसे भेजना चाहता हूँ तो SBI पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिसके अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं उसकी अकाउंट डिटेल्स डाल देना है। पहले यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम डाल देना है और उसके नीचे यहाँ पर उसका SBI का अकाउंट नंबर डाल देना है, और ये री इंटर अकाउंट नंबर पर फिर से उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाल देना है, और मैक्सिमम लिमिट पर पैसे ट्रांसफ़र करने की लिमिट डाल देना है। यहाँ पर जितना लिमिट डालेंगे उतने ही अमाउंट एक बार में आप इस अकाउंट में भेज सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर निक नेम पर उस व्यक्ति का दूसरा नाम डाल देंगे जिसको आप पैसे भेज रहे हैं। अगर उस व्यक्ति का कोई दूसरा नाम नहीं है तो आप जिस नाम से भी प्यार से उस व्यक्ति को बुलाते हैं वह नाम डाल सकते हैं। तो मैं जिसे पैसे भेजना चाहता हूँ उसकी डिटेल्स डाल देता हूँ। अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अमाउंट डालने के लिए अभी आप अर्जेंटली 25,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 4 घंटे बाद यह बेनिफिशियरी अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद आप जितनी लिमिट डाले हैं एक बार में उतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बाहर आ जाना है और ये बैंक ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अदर अकाउंट्स पर जाना है। यहाँ पर जितने भी अकाउंट को आपने बेनिफिशियरी ऐड किए होंगे सारे अकाउंट्स दिख जाएंगे और इसमें आप आसानी से पैसे भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड होने के बाद बार बार आपको अकाउंट डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है तो मैं ये धीरू वाले पर पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालने के लिए आ रहा है जितना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ तो यहाँ पर 1,000 डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो हमने लिमिट सेट किया था वह लिमिट दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट अ पर्पस में आपको पर्पस सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस लिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिव्यू कर लेना है, मतलब सारी डिटेल्स देख लेना है और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, वह OTP यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और लिखा हुआ आ जाएगा ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। तो दोस्तों आप ऐसे बहुत ही आसान तरीके से SBI अकाउंट से यूनो एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यूनो एप्लीकेशन से पैसे भेजने का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी मेरे चैनल पर बैंक से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।